यस पीपल, अब सब शांत हो जाओगे, है ना, पढ़ाई करेंगे अपन अच्छे से। यस चलो गुंडो, यस यारा, हम लोग यहां पर क्यों मिले? हम लोग मिले ताकि हमारा एक छोटा सा चैप्टर था जिसका हमें रिवीजन करना बाकी था। द नेम ऑफ द चैप्टर इज इश्यू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2021। इस चैप्टर का बहुत प्यारा सा हम लोग करेंगे रिवीजन एंड दैट विल बी ऑल। बस इस चीज के लिए आपसे मिलने आया हूं मैं। चलो गुंडो, यस इधर आओ, चलो कर दो। सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर का हम सुंदर सा ओवरव्यू। यस सियारा, दिस इज द एंटायर चैप्टर। हाँ चैप्टर छोटा है बट उसका ओवरव्यू बहुत बड़ा सा है। हमने इस चैप्टर को देखा था, इस चैप्टर में जितने भी रेगुलेशंस वगैरह हैं सब कुछ हमने यहाँ पे लिख दिए थे। हम लोग इस ओवरव्यू पे आएंगे लेकिन ओवरव्यू के पहले फटाफट से एक बार पूरे चैप्टर को देखने की कोशिश करेंगे। द नेम ऑफ द रेगुलेशन इज सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2021। सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2021। पहले दो रेगुलेशन हुआ करते थे, एक ILDS, एक प्रेफरेंस शेयर का, तो डेट का अलग प्रेफरेंस शेयर का अलग, फिर इसको मिक्स करके एक ही रेगुलेशन बना दिया गया और उसको नाम दिया इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2021। ठीक है सर, तो दो रेगुलेशंस का मिक्स है। इसमें सबसे पहले आ जाती है कुछ डेफिनेशंस, जैसे कि डेट सिक्योरिटीज की डेफिनेशन आती है। तो डेट सिक्योरिटीज की डेफिनेशन एकदम इजी पीजी डेफिनेशन है। अ नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी विद अ फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड विच क्रिएट्स और एक्नॉलेजेस इंडेटनेस एंड इंक्लूड्स डिबेंचर्स। तो मतलब सिंपल हो गया, किसी भी प्रकार का एक डॉक्यूमेंट जो कि इंडेटेडनेस शो करता है, एक्नॉलेजेस एंड इंडेटेडनेस, वो होती है डेट सिक्योरिटीज। इट इंक्लूड्स अ डिबेंचर, बॉन्ड या कोई भी सिक्योरिटी, वेदर कॉन्स्टिट्यूइंग अ चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ प्रॉपर्टी और नॉट, मतलब वेदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, बट एक्सक्लूड्स, फिर उन्होंने बताया क्या क्या चीजें एक्सक्लूड की जाती है। तो डेट सिक्योरिटी की आसान भाषा यही हो गई। कंपनीज एक्ट में भी ऐसी एक डेफिनेशन है, एनी इंस्ट्रूमेंट दैट एक्नॉलेजेस अ डेट, कोई भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि एक्नॉलेज करता है कि पैसे देने बाकी है, दैट इज अ डेट सिक्योरिटी। वो इंक्लूड करता है डिबेंचर्स, बॉन्ड, भले ही वो सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो। फिर उन्होंने एक्सक्लूड किया। अब इस डेफिनेशन को समझाते समय मैंने पढ़ाया था, एक्सक्लूड उन चीजों को किया है जिनके लिए ऑलरेडी एक सेपरेट रेगुलेशन है। एक्सक्लूड सिक्योरिटी रिसीट, सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, अरे इसके लिए LODR है ना, तो जिनके लिए अपना अपना रेगुलेशन है उनको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है। रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बॉन्ड्स इशूड बाय गवर्नमेंट एनी अदर बॉडी, बी स्पेसिफाइड बाय सेबी। तो अगर डेट सिक्योरिटी की बात करते हैं, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट विच एक्नॉलेजेस अ डेट, कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि डेट को एक्नॉलेज करता है, वो डेट सिक्योरिटी है। इट कैन इंक्लूड बॉन्ड, डिबेंचर्स और एनीथिंग, इट कुड बी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। इट डज नॉट इंक्लूड सिक्योरिटी रिसीट्स, सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेट्रा। ये हुआ डेट सिक्योरिटी। फिर यह आया कि आखिर नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी क्या होता है। नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी स्पेसिफिकली चार चीजों को इंक्लूड करता है। इट मीन्स डेट सिक्योरिटी, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट। तो चार चीजें हो गई, एक हो गया नॉर्मल डेट इंस्ट्रूमेंट, एक हो गया नॉर्मल प्रेफरेंस शेयर, फिर एक हो गया परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट और परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर। वेरी इजी। फिर इशुअर का मतलब क्या होता है, इन्होंने सबके नाम ले लिए, कंपनी, बॉडी, कॉर्पोरेट, आपका रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, एनी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन, सब कुछ आ गए जो भी कभी जीवन में नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू किए हैं। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक बुक प्रोवाइडर, इट सिंपली मींस कि एक स्टॉक एक्सचेंज इशू जब करता है वो इलेक्ट्रॉनिकली करता है। फिर आया नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट, एकदम लाइटर नोट पे। तो आपको अगर डेफिनेशन में बोलूँ कि इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या है, तो वो होगा डेट सिक्योरिटी और इशूअर का। डेट सिक्योरिटी का डेफिनेशन वापस एक बार के, डेट सिक्योरिटी सिंपली मींस कोई भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट विच एक्नॉलेजेस अ डेट, इट इंक्लूड्स डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, वेदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, एंड इट स्पेसिफिकली डज नॉट इंक्लूड, फिर तीन चार नाम आ जाएंगे, सिक्योरिटी रिसीट, सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेट्रा। इशूअर कोई भी एंटिटी, कंपनी, बॉडी, कॉर्पोरेट, आपका मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन हो गया, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हो गया, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हो गया, जिसने भी नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू की है। ईजी। अब अगर इस रेगुलेशन के एक्चुअली हम एंटर करते हैं, तो रेगुलेशन में सबसे पहले देखा है एप्लीकेबिलिटी, सबसे ईजी पार्ट। एप्लीकेबिलिटी में बताते हैं कि इट इज एप्लीकेबल ऑन इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटी एंड नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स बाय पब्लिक इशू। अगर आप डेट सिक्योरिटी या नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते हैं बाय वे ऑफ पब्लिक इशू तो अप्लाई होगा। अगर आप नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू करते हैं बाय वे ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट तो भी ये एप्लीकेबल होगा। और लास्ट आता है लिस्टिंग ऑफ कमर्शियल पेपर इशू इन कंप्लायंस विद गाइडलाइंस ऑफ RBI। तब मैंने आपको बताया था कि कमर्शियल पेपर के लिए अपना लॉ बनेगा, लेकिन जब तक उसका अपना लॉ नहीं बनता है तब वो यहां पर आ रहा है। तो प्रैक्टिकली इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज की एप्लीकेबिलिटी दो ही होनी चाहिए, इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटी एंड नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स बाय पब्लिक इशू। दूसरा, इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी बाय प्राइवेट प्लेसमेंट। तो यही दो मेन है, लेकिन उन्होंने कमर्शियल पेपर को भी टेम्पररीली यहां पे रखा हुआ है।
फिर आता है इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक जनरल कंडीशन एंड क्राइटेरिया, उसमें रेगुलेशन नंबर 4। तो हमने देखा रेगुलेशन नंबर 1 हो गया मान लीजिए शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट, रेगुलेशन नंबर 2 के अंदर आ जाएगा डेफिनेशन, रेगुलेशन नंबर 3 में आ गया आपका जनरल एप्लीकेबिलिटी, अब रेगुलेशन नंबर 4 आ रहा है आपका एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस चैप्टर। अब हमने याद करोगे तो हमने पढ़ा था इसके चैप्टर्स डिवाइडेड है, इसमें जो चैप्टर नंबर 2 है दिस इज रेगुलेशन नंबर 4 to 24। ये बात करता है जनरल एलिजिबिलिटी के बारे में कि हु इज एलिजिबल हु इज नॉट एलिजिबल, उसमें रेगुलेशन नंबर 4 आता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ चैप्टर 2। तो जो हमने ऊपर पढ़ी एप्लीकेबिलिटी रेगुलेशन नंबर 3 में दैट इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एंटायर एक्ट, और यहां पे जो एप्लीकेबिलिटी पढ़ते हैं रेगुलेशन नंबर 4 में दैट इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ चैप्टर 2, सिर्फ इतने से की एप्लीकेबिलिटी क्या है वो रेलेवेंट भी नहीं है। फिर एक स्टार मार्क टॉपिक आ जाता है हमारा एलिजिबल इश्यूअर, चलो कि कौन भारत में इशू कर सकता है नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। एलिजिबल इश्यूअर बहुत ईजी, एलिजिबल इश्यूअर के लिए ऐसा लिखा है एलिजिबल इश्यूअर सिंपली मीन्स एनी इश्यूअर प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप ऑफ डायरेक्टर हु इज डिबार्ड। तो जो डिबार्ड है वो इश्यू नहीं कर सकते। दूसरा, कोई भी इश्यूअर जो कि डिबार्ड है, जो भी इश्यूअर डिबार्ड है उसका प्रमोटर डायरेक्टर किसी और कंपनी में प्रमोटर डायरेक्टर है तो वो कंपनी भी डिबार्ड है, सेम ICDR का रूल। उसके बाद में कोई भी इश्यूअर प्रमोटर डायरेक्टर जो कि विलफुल डिफॉल्टर है, कोई भी इश्यूअर, ये नया था यहां पे, कोई भी इश्यूअर जो कि इश्यू नहीं कर सकता उसके प्रमोटर या होल्ड टाइम डायरेक्टर अगर किसी और कंपनी के अंदर भी है और वो विलफुल डिफॉल्टर है तो भी हमारा कंपनी इश्यू नहीं कर सकता। मतलब समझना, एक कंपनी है जो कि विलफुल डिफॉल्टर है, कंपनी इज विलफुल डिफॉल्टर, तो उस कंपनी के जो प्रमोटर या होल्ड टाइम डायरेक्टर हैं वो हमारे भी प्रमोटर हैं तो हमारी कंपनी भी इशू नहीं कर सकती। ये यहाँ पे नया पॉइंट था जो ICDR में नहीं था। ICDR इतना सा कहता है कि इफ एन एंटिटी इज डिबार्ड तो उसके कॉमन प्रमोटर डायरेक्टर वाली दूसरी कंपनी भी हो जाएगी डिबार्ड। यहाँ पर ये कहते हैं इफ एन एंटिटी इज विलफुल डिफॉल्टर उसके प्रमोटर या होल्ड टाइम डायरेक्टर किसी और कंपनी के भी प्रमोटर होल्ड टाइम डायरेक्टर हैं तो वो भी कंपनी इशू नहीं कर सकती। उसके बाद में आता है अगर प्रमोटर डायरेक्टर आपका फिजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है तो भी आप नहीं कर सकते। और लास्ट के दो नए पॉइंट, पेनल्टी और फाइन इज पेंडिंग टू स्टॉक एक्सचेंज सेबी, अगर इन दोनों को कोई पेनल्टी देना बाकी है तो भी आप इशू नहीं कर सकते। एंड लास्ट आता है इश्यूअर हु डिफॉल्ट्स इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ऑन एनी प्रायर नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी फॉर मोर देन 6 मंथ्स। हमने पहले कोई नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू की थी और उसके ऊपर हमने नहीं पे किया है इंटरेस्ट या प्रिंसिपल फॉर मोर देन 6 मंथ्स, ये हो गया एक और इश्यूअर। मैंने आपको पहले भी मार्क करवाया था, वापस मार्क करवाऊंगा कि इस पूरे चैप्टर में 4-5 ऐसे एरियाज हैं जिस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, उसमें से एक है एलिजिबिलिटी ऑफ इश्यूअर। एलिजिबिलिटी ऑफ इश्यूअर को अगर हम लोग देखते हैं फटाफट से, देखो सबसे पहले तो ये हो गया इफ अ एंटिटी इज डिबार्ड तो वो लोग नहीं कर सकते। फिर हमने पढ़ा एक एंटिटी डिबार्ड है तो जो प्रमोटर डायरेक्टर कॉमन है वो भी नहीं कर सकते। फिर हमारा आ गया मान लीजिए हम विलफुल डिफॉल्टर, विलफुल डिफॉल्टर में भी सेम आ गया कॉमन वाले भी नहीं कर सकते, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं कर सकते, अगर आपने कोई फीस पेंडिंग है तो नहीं कर सकते, अगर नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी पे आपने पहले का पैसा नहीं दिया है फॉर मोर देन 6 मंथ्स तो भी आप नहीं कर सकते। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 पॉइंट्स आपके टोटल जो लोग कभी भी नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी के अंदर एलिजिबल नहीं। बस अब देखोगे सारे छोटे छोटे से पॉइंट आएंगे, अगले 2-3 रेगुलेशन एकदम छोटे छोटे से आएंगे। फिर हमने यहाँ पे पढ़ लिया था कि किस किस केस में ये एलिजिबल हो जाते हैं। अब छोटी छोटी बातें, इन प्रिंसिपल अप्रूवल, ये हुआ आपका रेगुलेशन 5 के बाद में रेगुलेशन 6 इन प्रिंसिपल अप्रूवल। अगर आप कभी भी नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू करना चाहते हैं तो आपको पहले स्टॉक एक्सचेंज से लेना पड़ेगा इन प्रिंसिपल अप्रूवल। डिपॉजिटरीज, आप अगर कभी भी नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू करना चाहते हैं यू हैव टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद डिपॉजिटरी। अगर आप कभी भी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू करना चाहते हैं यू हैव टू अपॉइंट अ डिबेंचर ट्रस्टी, यू हैव टू अपॉइंट अ रजिस्ट्रार शेयर ट्रांसफर एजेंट, यू हैव टू ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम एटलीस्ट 1 रेटिंग एजेंसी, you'll have to create a recovery expense fund. आप जो भी securities issue करेंगे they should be issued in demat form. regulatory fees जो भी required है वो आपको fees stock exchange को देनी होगी। यहां तक without wasting time हम पहुंच जाते हैं and these are just एक क्या कहते हैं regulation का बस आपको trailer दिया है। इसके बाद में आता है regulation number 15, ये कहता है right to recall prior to maturity एकदम अच्छे से। अभी एक और छोटा सा provision है, अब अगर हम जाते हैं हमारे ओवरव्यू पे तो देखो बाकी सब एकदम ही छोटे हैं, कुछ कंटेंट ही नहीं है, सीधा आता है रेगुलेशन 15 राइट टू रिकॉल और रिडीम प्रायर टू मैच्योरिटी। देखते हैं इसमें क्या लिखा है, राइट टू रिकॉल और रिडीम प्रायर टू मैच्योरिटी हमने पढ़ा, एकदम मस्ती से देखते हैं। अगर कभी भी एक एंटिटी ने नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज इशू कर दिए, डिबेंचर्स इशू कर दिए 5 ईयर्स के, लेकिन अगर वो चाहे तो 5 ईयर के पहले भी उसको रिकॉल कर सकती है अर्ली कॉल, कि 3 साल पहले हमारे पास पैसे हैं तो हम देकर और अर्ली कॉल करना चाहते हैं सिक्योरिटीज को, उसके प्रोविजन है। सबसे पहला पॉइंट कहता है
इश्यूअर कैन कीप द राइट टू रिकॉल प्रायर टू मैच्योरिटी और गिव दिस राइट टू रिकॉल फॉर रिडेम्पशन प्रायर टू मैच्योरिटी इन्वेस्टर और इन्वेस्टर, हमारा जो भी इन्वेस्टर है। तो अगर मान लीजिए इश्यूअर चाहता है तो इश्यूअर कभी भी राइट टू रिकॉल अपने पास भी रख सकता है और इश्यूअर कभी भी राइट टू रिकॉल चाहे तो अपने इन्वेस्टर को भी दे सकता है। तो अगर मान लीजिए इश्यूअर डिसाइड करता है दैट आई वॉन्ट टू कीप राइट टू रिकॉल विथ मी, तो इश्यूअर मेच्योरिटी के पहले राइट टू रिकॉल एक्सरसाइज कर सकता है। इश्यूअर को लगता है कि ये राइट टू रिकॉल मैं देना चाहता हूँ अपने इन्वेस्टर्स को, तो वो इन्वेस्टर्स को भी दे सकता है ताकि वो भी चाहें तो वो अर्ली रिकॉल कर सकते हैं। ये राइट दोनों के पास नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के पास अगर राइट दे दिया तो क्लैश हो जाएगा ना, किसी एक के पास राइट रहेगा और दूसरे की ऑब्लिगेशन रहेगी। दूसरा पॉइंट, रिकॉल। रिकॉल जब भी होगा इट विल बी एज पर द टर्म्स ऑफ द इशू एंड डिस्क्लोज इन ऑफर डॉक्यूमेंट, जैसा ऑफर डॉक्यूमेंट बताया गया है उसी हिसाब से रिकॉल होगा। थर्ड पॉइंट, इश्यूअर विल ईदर रिकॉल ऑल द सिक्योरिटी और विल रिडीम पार्शियली देन प्रोपोर्शनेटली, या तो हम सबको रिकॉल करेंगे साथ में और अगर हम थोड़ा करना चाहते हैं तो प्रोपोर्शनेटली करेंगे। मतलब हम सिलेक्टिव रिकॉल नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते कि हम चार में से दो का रिकॉल कर रहे हैं दो का नहीं, या तो सबका करो या करो प्रोपोर्शनेटली। उसके बाद में रिकॉल कभी भी नहीं कर सकते इश्यू करने के एक साल के अंदर, रिकॉल जब भी करेंगे उसका नोटिस देना होगा टू ऑल द एलिजिबल होल्डर एंड डिबेंचर ट्रस्टी 21 डेज प्रायर टू द एक्सरसाइज पीरियड, एंड स्टॉक एक्सचेंज को हम देंगे वो उसको डिसमिनेट करेगा, एंड विल हैव टू ऑल्सो गिव द नोटिस इन न्यूज़पेपर, वन इंग्लिश एंड वन रीजनल। रिकॉल कंप्लीट होने पे विल हैव टू गिव अ रिपोर्ट टू स्टॉक एक्सचेंज, वी हैव टू इन्फॉर्म डिबेंचर ट्रस्टी एंड वी हैव टू इन्फॉर्म टू डिपॉजिटरी। एकदम मस्ती से हम यहां पर बात करते हैं राइट टू रिकॉल। चलो फोकस करते हैं अच्छे से, बहुत सारे पॉइंट है रिकॉल के, अच्छा पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अगर हम बात करते हैं राइट टू रिकॉल का, सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि रिकॉल करने का राइट या तो इश्यूअर अपने पास रखेगा या उसको दे देगा इन्वेस्टर को, ठीक है सर। वो चाहे तो इन्वेस्टर में भी सिलेक्टिव कर सकता है कि मैं सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर को दूं। रिटेल इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर होते हैं जिन्होंने 2 लाख तक का इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो चाहे तो सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर के लिए रख सकता है या फिर सब इन्वेस्टर के लिए भी कर सकता है, पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद में ठीक है सर दे दिया। नेक्स्ट चीज, हम अगर कभी भी किसी को भी राइट टू रिकॉल का राइट भी देते हैं तो रिकॉल होगा एज पर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द ऑफर डॉक्यूमेंट, ऑफर डॉक्यूमेंट जैसा लिख के दिया है वैसा ही होगा। तीसरा, हम या तो सारी सिक्योरिटीज को रिकॉल करेंगे और अगर हम सिलेक्टिवली कर रहे हैं तो करेंगे प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। उसके बाद में वही पार्शल, हमें नोटिस देने की जरूरत है जब भी हम रिकॉल कर रहे हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर, रीजनल न्यूज़पेपर के अंदर स्टॉक एक्सचेंज को एक नोटिस देने की जरूरत है, और सब कुछ होने के बाद में हमें स्टॉक एक्सचेंज को रिपोर्ट देना है, डिबेंचर ट्रस्टी को रिपोर्ट देना है और डिपॉजिटरी को भी इन्फॉर्म करना है। यहाँ पे वी हैव डन इट इन अ सुपर्ब समरी फैशन, ये सब कर लिया, वी कवर ईच एंड एवरी पॉइंट। एक लास्ट टाइम कर लेते हैं, देयर आर 6 पॉइंट्स। पहला, इश्यूअर या तो राइट अपने पास रखेगा या राइट दे देगा। जब भी रिकॉल होगा रिकॉल ऑफर डॉक्यूमेंट के हिसाब से ही होगा। जब भी इश्यूअर रिकॉल कर रहा है तो सबको करेगा या फिर प्रोपोर्शनेटली करेगा, पार्शियली कर रहा है तो प्रोपोर्शनेटली करेगा। रिकॉल कभी भी एक साल के अंदर नहीं हो सकता। रिकॉल करते टाइम नोटिस आपको देना है सारे एलिजिबल होल्डर को, स्टॉक एक्सचेंज को जो कि डिसमिनेट करेंगे, एंड इंग्लिश रीजनल न्यूज़पेपर को। कब देना है? 21 डेज प्रायर टू एक्सरसाइज पीरियड, जब भी रिकॉल करने का एक्सरसाइज पीरियड चालू होगा उसके 21 दिन पहले। और लास्ट आता है रिकॉल कंप्लीट होने पे स्टॉक एक्सचेंज, डिबेंचर ट्रस्टी और डिपॉजिटरी, इन सबको इन्फॉर्म करना और रिपोर्ट देनी है। दिस इज रेगुलेशन ऑफ 15 राइट टू रिकॉल। मोस्ट लाइकली क्वेश्चन एलिजिबल इश्यूअर या राइट टू रिकॉल पे आ सकता है। इसके बाद में एक और फुद्दू टॉपिक आता है, ट्रस्ट डीड। थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है। ट्रस्ट डीड क्या है? जब भी आप इशू कर रहे हैं स्पेसिफिकली डिबेंचर्स, तब आपको एक ट्रस्ट डीड एंटर करनी पड़ती है बिटवीन द कंपनी एंड द डिबेंचर ट्रस्टी। अभी क्या कह रहे हैं? इश्यूअर शैल एग्जीक्यूट द ट्रस्ट डीड विद इन प्रिस्क्राइब टाइम। इश्यूअर ने प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर ट्रस्ट डीड को इशू कर देना है। नेक्स्ट, इफ ट्रस्ट डीड इज नॉट एग्जीक्यूटेड विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम, देन इश्यूअर शैल पे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ऑफ 2% ओवर एंड अबव द कूपन रेट। मतलब हमें ट्रस्ट डीड मान लीजिए टाइम पीरियड में प्रिस्क्राइब नहीं कर पाए, इशू नहीं कर पाए, क्रिएट नहीं कर पाए, अगर डिक्लेयर्ड इंटरेस्ट था 8% तो हम इंटरेस्ट कितना देंगे? 10%। तो जितना भी डिक्लेयर्ड कूपन रेट था, इंटरेस्ट रेट था, उसका 2% ज्यादा हमें देना है जब तक हमने ट्रस्ट डीड को एंटर नहीं किया। ट्रस्ट डीड में क्या क्या होगा? मैटर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 71 ऑफ कंपनीज एक्ट एंड कंपनी शेयर कैपिटल डिबेंचर रूल्स। ट्रस्ट डीड दो पार्ट में होगी, स्टैट्यूटरी स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन एंड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। इट शैल कंटेन सच अदर पर्टिकुलर्स एज प्रिस्क्राइब बाय सेबी। एंड लास्टली इसके अंदर बैंक डिटेल्स होगी फ्रॉम विच इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल शैल बी पेड। अब ट्रस्ट डीड में क्या होता है? सिंपल तरीके से जो जो कंपनीज एक्ट में रिक्वायरमेंट है वो होगा, जो जो सेबी के रिक्वायरमेंट है वो होंगे। तो दो पॉइंट तो यही होगा कि ट्रस्ट डीड में हर वो चीज़ होगी जो कंपनीज एक्ट मांगता है, ट्रस्ट डीड में हर वो चीज़ होगी जो कि सेबी मांगता है। उसके बाद में ट्रस्ट डीड हमेशा दो पार्ट्स में इशू की जाएगी, एक हो गया स्टैट्यूटरी स्टैंडर्ड और एक हो गया स्पेसिफिक। और लास्ट ट्रस्ट डीड के अंदर वो बैंक डिटेल्स भी देने हैं जहां से आपको इंटरेस्ट का अमाउंट आने वाला है। ट्रस्ट डीड शैल नॉट कंटेन, ये प्रोविजन हर जगह मिलेगा आपको कि ट्रस्ट डीड में कभी भी इनको इनसे रिलेटेड पॉइंट नहीं हो सकता। क्या?
यू कैन नॉट हैव अ क्लॉज विच प्रोवाइड्स फॉर लिमिटिंग और एक्सटिंग्विशिंग ऑब्लिगेशन ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, डिबेंचर ट्रस्टी या इश्यूअर की ऑब्लिगेशन आप खत्म कर रहे हो, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं हो सकता. नेक्स्ट, लिमिटिंग और वेविंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ एनी अदर रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, सर्कुलर. सेबी के किसी भी सर्कुलर से हम एप्लीकेबिलिटी हटा रहे हैं खुद की, ये भी नहीं हो सकता. एंड इंडेमनिफाइंग द डिबेंचर ट्रस्टी और इश्यूअर, कि इश्यूअर और डिबेंचर ट्रस्टी को उनकी गलती पे भी इंडेमनिफाई किया जाएगा, ये भी प्रोविजन नहीं हो सकता है. तो कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं होगा जिससे हम किसी भी लॉ रेगुलेशन से खुद को नॉन एप्लीकेबल कर रहे हैं. हम कह रहे हैं कि डिबेंचर ट्रस्टी और इश्यूअर की लायबिलिटी को खत्म कर रहे हैं या उनको हम करेंगे किसी भी केस के अंदर इंडेमनिफाई. ऐसा प्रोविजन कभी डिबेंचर ट्रस्ट के अंदर ट्रस्ट डीड में नहीं हो सकता. एकदम ईजी. अब अगर हम देखते हैं ट्रस्ट डीड को, तीन पार्ट में डिवाइड किया. पहला ट्रस्ट डीड का बेसिक पॉइंट कि ट्रस्ट डीड टाइम पीरियड में एंटर कर लो, नहीं तो 2% का पेनल्टी लगेगा. ट्रस्ट डीड में क्या क्या होना चाहिए, कंपनीज एक्ट का कंटेंट, सेबी का सारा कंटेंट दो पार्ट्स में इशू किया जाएगा और बैंक डिटेल्स होने चाहिए. और लास्ट पॉइंट में कहते हैं कि ट्रस्ट डीड शैल नॉट कंटेन इश्यूअर और डिबेंचर ट्रस्टी की लायबिलिटी को आप खत्म कर रहे हो, एक्सटिंग्विश कर रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते. इश्यूअर या डिबेंचर ट्रस्टी को आप इंडेमनिफाई कर रहे हो, ऐसा भी नहीं कर सकते. और आप किसी भी तरह से किसी भी एप्लीकेबल रेगुलेशन से खुद को एग्जिट करवा रहे हो, ऐसा भी नहीं कर सकते. चल, ये हुआ ट्रस्ट डीड का. थोड़ा सा ड्राई प्रोविजन आता है इसमें, लेकिन काफी आसान है और एग्जामिनेशन में आपको अच्छे मार्क्स दे सकता है. इसके बाद में आता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन. आपका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड होगा, डिफॉल्ट इन केस ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडम्पशन ऑफ डेट सिक्योरिटीज. अगर कभी भी इश्यूअर ने डिफॉल्ट किया है इंटरेस्ट या रिडम्पशन में या फिर क्रिएट करने में, तो किसी भी प्रकार का डिविडेंड देना है तो उसमें डिबेंचर ट्रस्टी का अप्रूवल चाहिएगा. अब ये नेक्स्ट आया था हमारा रेगुलेशन नंबर 22. ये कहता है अगर कभी भी एक कंपनी ने नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू की, आप लोगों को नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू की, उसके ऊपर इंटरेस्ट में ये नहीं कर पाई या उसके ऊपर प्रिंसिपल नहीं रिपे कर पाई, तो अब अगर ये कंपनी कभी भी डिविडेंड देना चाहती है शेयर होल्डर को, तो आपके अप्रूवल के बिना नहीं दे सकता, डिबेंचर ट्रस्टी के अप्रूवल के बिना नहीं दे सकते. तो डिबेंचर्स पे अगर हमने इंटरेस्ट या प्रिंसिपल में डिफॉल्ट किया है, तो डिविडेंड देने के पहले डिबेंचर ट्रस्टी का अप्रूवल चाहिए. और इसके बाद में आ जाता है रेगुलेशन 23 में. यहाँ पे हमारे कुछ लास्ट दो रेगुलेशन है, ऑब्लिगेशन ऑफ इश्यूअर एंड ऑब्लिगेशन ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी. आइडियली तो ऑब्लिगेशन पे पूरे पेपर में आई बिलीव एक क्वेश्चन आना चाहिए. हर चैप्टर में ऑब्लिगेशन है तो ये स्टूडेंट्स को ऑफन कंफ्यूज करते हैं. एक क्वेश्चन आ सकता है, तो कभी भी ऑब्लिगेशन पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, इसको हमेशा रीड करना है बस. तो ऑब्लिगेशन ऑफ इश्यूअर आ जाते हैं कि इश्यूअर को ट्रीट करना चाहिए सारे एप्लीकेंट्स को फेयर और इक्विटेबल तरीके से. इश्यूअर को कोई भी डिवाइस, स्कीम, आर्टिफाइस डिफ्रॉड करने के लिए यूज नहीं करनी चाहिए. इश्यूअर को स्कोर्स पे रजिस्टर्ड होना चाहिए. इश्यूअर को सारी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए लीड मैनेजर को. और आपका सिक्योरिटी कवर होना चाहिए 100%. ये ईश्वर की जिम्मेदारी. तो ईश्वर की जिम्मेदारी ईजी होगी. सबको फेयर तरीके से ट्रीट करना है, कोई भी डिवाइस की में आर्टिफाइस नहीं लगाना है, सेबी के स्कोर्स को कंप्लाई करना है, सारा इन्फॉर्मेशन लीड मैनेजर को देना है और 100% सिक्योरिटी कवर होना चाहिए. और अगर हम देखें ये पॉइंट, ये तो हम जगह जगह पे पढ़ते हैं कि डिवाइस की में आर्टिफाइस नहीं लगाएंगे, स्कोर्स तो हमने पढ़ाई है, स्कोर्स में रजिस्टर होना चाहिए. अब यहाँ पे नए पॉइंट तो यही पढ़े हमने कि सबको फेयर तरीके से ट्रीट करेंगे, लीड मैनेजर को इन्फॉर्मेशन देंगे और 100% सिक्योरिटी कवर होना चाहिए. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है. सिक्योरिटी कवर क्या होता है मुझे बताओ ना सर, हम तो कथा में आए थे, हम कुछ बोलने वाले नहीं है. सिक्योरिटी कवर क्या होता है? यस, आज अगर मान लीजिए मैं बैंक से 50 लाख का लोन लेने गया हूं, तो मुझे 50 लाख के लोन के अगेंस्ट 50 लाख की सिक्योरिटी तो देनी चाहिए, तो हुआ 100% सिक्योरिटी कवर. और अगर मैं 50 लाख का लोन ले रहा हूं और उसके ऊपर 1 करोड़ की सिक्योरिटी दे रहा हूं, असेट दे रहा हूं मॉर्गेज के रूप में, तो वो हो गया हमारा डबल 200% का सिक्योरिटी कवर. तो सिक्योरिटी कवर कम से कम आपके असेट को कवर करने जितना तो होना ही चाहिए प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के. उसके बाद में आता है ऑब्लिगेशन ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी. ये क्या करेगा, डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा, नॉमिनी डायरेक्टर को अपॉइंट करेगा, सुपरवाइज करेगा क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी को, रिकवरी एक्सपेंस फंड बनाएगा, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाएगा और सिक्योरिटी कवर को मॉनिटर करेगा. हमने ऊपर एक पॉइंट पढ़ा था रिकवरी एक्सपेंस फंड, वो ये बनाएगा, सिक्योरिटी कवर पढ़ा है वो भी ये मेंटेन करेगा, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व कंपनीज एक्ट में पढ़ेंगे वो भी ये मेंटेन करेगा, सिक्योरिटी भी ये क्रिएट करेगा. एट द एंड ऑफ द डे इसका जॉब है कि इन डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखेगा. कभी कभी ये भी राइट होता है दैट यू कैन अपॉइंट अ नॉमिनी डायरेक्टर, नॉट ऑलवेज बट रेयरली यू कैन ऑल्सो अपॉइंट अ नॉमिनी डायरेक्टर. हम अगर बात करते हैं तो हम जीवन में कहाँ पहुँच चुके हैं, हम पहुँच चुके हैं इस पर्टिकुलर रेगुलेशन के चैप्टर 2 को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया. जो पूरा चैप्टर 2 था, ये चैप्टर 2 बात कर रहा था जनरल कंडीशन एंड एलिजिबिलिटी, एकदम ईजी. इसके बाद में चैप्टर नंबर 3 आता है जो बात करता है पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज एंड नॉन कन्वर्टेबल रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स. कुछ बचा ही नहीं है इस चैप्टर में, दो रेगुलेशन छोड़ दूं तो और कुछ भी नहीं बचा है. अब आप देखोगे भी सही तो हम पहुंच चुके हैं यहां पर और इसके बाद में चैप्टर बचा ही नहीं है, चैप्टर खत्म ही हो गया बस.
इसमें सिर्फ दो ऐसे रेगुलेशन है जो हमें पता होने चाहिए। अभी क्या कह रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 शुरू होता है रेगुलेशन नंबर 25, ये कहता है अदर कंडीशंस फॉर पब्लिक इशू। अब एग्जाम में कभी ऐसा तो क्वेश्चन नहीं आएगा, बताओ व्हाट आर द अदर कंडीशंस, तो ऐसा क्वेश्चन आ नहीं सकता है। यहाँ पे क्या कहते हैं, आपको एक मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करना है, लीड मैनेजर ऐसा होना चाहिए जो कि इशूअर से एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए। अगर लीड मैनेजर एसोसिएटेड है तो वो फिर सिर्फ मार्केटिंग का काम करेगा, ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकता। तो पहला पॉइंट, मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करना है। दूसरा, जो आपका मर्चेंट बैंकर लीड मैनेजर है वो इशूअर का एसोसिएट नहीं होना चाहिए, और अगर गलती से एसोसिएट है तो वो सिर्फ मार्केटिंग संभालेगा, ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट इशू नहीं करेगा। क्योंकि आप इमेजिन करो ना, मैं मेरे रिलेटिव का ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट थोड़ा ना इशू कर सकता हूँ, इसने सब काम अच्छे से किया है, बायसनेस आ जाएगा। तो आइडियली लीड मैनेजर एसोसिएट नहीं होना चाहिए, अगर एसोसिएट है तो वो ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट इशू नहीं करेगा। एंड इश्यूअर कोई भी पब्लिक इशू इसलिए नहीं कर सकता फॉर प्रोवाइडिंग लोन और एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ एन एंटिटी हु इज अ पार्ट ऑफ प्रमोटर ग्रुप। हमारी प्रमोटर ग्रुप की किसी और कंपनी को लोन देने के लिए या उनके शेयर्स अक्वायर करने के लिए हम नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी का इशू नहीं कर सकते। तीनों फुद्दू पॉइंट है, कोई काम के नहीं है। अदर कंडीशंस में लिखा है आपने मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करना है, आपने लीड मैनेजर अपॉइंट करना है, लीड मैनेजर एसोसिएटिव नहीं होना चाहिए, एसोसिएटेड है आपसे तो वो ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकता। आप कभी भी नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं करो, लेकिन आप इस पर्पस के लिए नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू नहीं कर सकते दैट नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू करके हमें जो पैसा आएगा उससे हम हमारे प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप को लोन देंगे या उनके शेयर्स अक्वायर करेंगे, ये अलाउड नहीं है। सो यहां तक तो कुछ काम का नहीं है। अब आता है हमारे ये रेगुलेशन ग्रीन डेट सिक्योरिटीज। हमने जो इंपॉर्टेंट चीजें मार्क की थी उसमें ये एक चीज है जो कि मार्क्ड है, या तो ग्रीन डेट सिक्योरिटी या ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, बस ये दो रेगुलेशन बचे हैं जिसपे एग्जाम में सवाल आ सकता है और जिसपे सबसे अच्छी संभावना है वो है ग्रीन डेट सिक्योरिटी। क्या होता है सर ग्रीन डेट सिक्योरिटी? कभी भी अगर एक कंपनी पब्लिक से फंड रेस करके उनको डेट सिक्योरिटीज दे रही है और उसको यूटिलाइज कर रही है फॉर एनी ऑफ दीज पर्पसेस, अगर कभी भी कंपनी डेट सिक्योरिटी इशू करके पैसा ले रही है और उस पैसे को यूटिलाइज कर रही है फॉर एनी ऑफ दीज सिक्योरिटी, तो उन सिक्योरिटीज को कहा जाता है ग्रीन डेट सिक्योरिटी। कभी भी एक कंपनी पैसा रेस कर रही है और लोगों को इशू कर रही है डेट सिक्योरिटी, अगर वो पैसा यूटिलाइज हो रहा है फॉर एनी ऑफ दीज, तो इन सिक्योरिटीज को कहेंगे ग्रीन डेट सिक्योरिटी। हमें याद रखना है ये सब। अब इसके अंदर हमने पढ़ा था, एकदम मस्ती से कोशिश करेंगे, रीनवेबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी। अगर हम बिजनेस कौन सा कर रहे हैं रीनवेबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी का, विंड सोलार बायो एनर्जी अदर सोर्स ऑफ एनर्जी विच यूज क्लीन टेक्नोलॉजी, जहां पे हम पोल्यूशन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं और हम एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, रीनवेबल सस्टेनेबल एनर्जी। क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, हम जहां पे ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक बेस पे इलेक्ट्रिक। अरे आजकल आपको पता है लूप एक अलग प्रकार का ट्रेन बनेगा जो ऐसा बड़ा सा लूप में बनेगा और यहां पे उसके अंदर ट्रेन चलेगी ऐसा। This will use nothing, no form of fuel will be burned. Magnetic power के ऊपर ये ट्रेन चलने वाली है अलग लेवल पे। So these are examples of clean transportation, जहां पे आपका किसी प्रकार का fuel burn ही नहीं हो रहा है और आप electricity या इसके बेस पे transportation कर रहे हैं, तो clean transportation का business है आपका। Sustainable water management, जहां पे आप drinking water या फिर water से recycling करते हैं। Climate change adaptation, कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हो रही है उसको इंप्रूव करने के लिए आप काम कर रहे हैं। एनर्जी एफिशिएंसी, आप ग्रीन बिल्डिंग्स का बिजनेस करते हैं या फिर एनर्जी एफिशिएंट काम कर रहे हैं। सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, सेम ऊपर जो आया था इंक्लूडिंग रिसाइकलिंग वेस्ट टू एनर्जी एफिशिएंट डिस्पोजेबल वेस्ट, कि जो पानी बिल्कुल वेस्ट होता है उसको वेस्ट नहीं होते हुए उसको भी हम यूज कर दें। अ लॉट ऑफ सोसाइटीज इन पुणे ऑल अराउंड द कंट्री इज डूइंग इट नाउ। सस्टेनेबल लैंड यूज, फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर एफोरेस्टेशन एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। एक्चुअली इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं लेकिन ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो हमने इंक्लूड किए हैं। इनमें से ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं इनमें से अगर कोई भी चीज में आपका कंपनी बिजनेस कर रहा है, आपका कंपनी पैसा रेस कर रहा है लोगों से और वो यहां पर यूटिलाइज कर रहा है, तो उनको जो सिक्योरिटी दे रहा है उस सिक्योरिटी को बोलते हैं हम ग्रीन डेट सिक्योरिटी। इसमें कोशिश करेंगे, 3-4 बार रीड करेंगे, मेजॉरिटी पॉइंट्स हमको याद रखने हैं। ये एग्जाम के लिए 4 मार्क टॉपिक है ग्रीन डेट सिक्योरिटी, पूछा जा सकता है। और उसके बाद में एक लास्ट टॉपिक आता है फाइलिंग ऑफ ऑफ अ डॉक्यूमेंट। बहुत ही फुद्दू टॉपिक बट अ वेरी डिफरेंट टॉपिक। इसमें क्या होता है, अगर आपको कभी भी नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं, सबसे पहले स्टेप 1 आप ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट देते हैं किसको, स्टॉक एक्सचेंज को। दे दिया सर सेबी को, नहीं स्टॉक एक्सचेंज को। यू ऑल्सो अपलोडेड ऑन द वेबसाइट to invite public comments, वो public comments invite करते हैं within 7 days। इसके बाद में you have to give draft of a document, कहाँ पे you have to upload it on website of the issuer as well as lead manager merchant banker। ठीक है सर कर दिया। उसके बाद में हमें अब step 3 के अंदर issuer को जो offer document है वो file कर सकते हैं ROC के
पास, मतलब सर हमें सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज के पास जाना है, वहां से आ गए, उसके बाद में हमें हमारी वेबसाइट पर अपलोड करना है, हाँ, उसके बाद हम सीधा आरओसी के पास जा सकते हैं, हमें सेबी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं कोई जरूरत ही नहीं है, आप स्टॉक एक्सचेंज को दो, आप वेबसाइट पर अपलोड करो और सीधा आरओसी के पास दे सकते हो। जो भी आपने पब्लिक कमेंट्स यहाँ पे बुलाए थे उसमें जो भी पब्लिक के कंसर्न्स आए आपको उसको एड्रेस कर देना है। तो हम स्टॉक एक्सचेंज पे अपलोड करते हैं, वो वेबसाइट पे अपलोड करते हैं, पब्लिक के कोई भी कंसर्न्स हैं तो यू एड्रेस दोस कंसर्न्स एंड देयर आफ्टर यू अपलोड ऑन योर वेबसाइट, यू अपलोड टू आरओसी एंड यू आर डन। स्टेप फोर, जो आपका लीड मैनेजर है, समझना दिस इज स्टेप थ्री, स्टेप फाइव एंड में आएगा पब्लिक को, उसके पहले आएगा स्टेप फोर, लीड मैनेजर हैज टू गिव ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट टू सेबी। वही हमने पढ़ा था, लीड मैनेजर एसोसिएट नहीं होना चाहिए, अगर एसोसिएट है तो वो ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट दे नहीं पाएगा, बट एसोसिएट नहीं है तो ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट देगा सेबी को, saying that all the requirement regarding offer document has been complied, and then once we have given this due diligence certificate, after that we can give the offer document to public. ab ekdam aaram se samjho, normally jab ek company equity shares issue karti hai tab ekdam alag purpose hai, tab hame isko dena padta hai sebi ko, 30 days ke liye wait karna padta hai, fir sebi usme observation deta hai, yahan pe aisa kuch nahi hai, because debt security preference share mein sebi ko itna interest nahi hai, aur aap janta ko bewakoof bhi nahi bana sakte, itna scope hi nahi hai, क्योंकि आप क्या 100 रुपए आज अगर लोगों से ले रहे हो तो 5 साल बाद 6 साल बाद उनको वापस 100 रुपए देने वाले हो, तो यहां पे फ्रॉड का इतना स्कोप नहीं, इक्विटी शेयर में स्कोप है। आप 500 रुपए का शेयर दे रहे हो जो पैसे आप कभी रिटर्न भी नहीं करने वाले हो, इक्विटी शेयर्स आर नॉन रिडीमेबल, तो वहां पे सेबी इज मोर केयरफुल। यहां पे सेबी का कहना है आप खुद ही अपनी वेबसाइट पर लगाओ, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर लगाओ, पब्लिक कमेंट्स बुलाओ, फिर उन पब्लिक कमेंट्स को एड्रेस करो और ये आप दे दो आरओसी को। अब यहाँ पे आपको देना है, एक मर्चेंट बैंकर चेक करेगा कि हाँ जो जो पब्लिक कमेंट्स आए थे वो सब ऑब्जर्व किए, सारा कंप्लाई इन्होंने किया है लॉ, और वो हमें एक ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट दे देगा सभी को, तो भी सभी मान लेगा और इसके बाद में आप सीधा इसको पब्लिक को दे सकते हो। तो प्रोसीजर यहाँ पे इन्होंने बहुत ईजी रख दिया है और इसके बाद में अब कुछ भी पढ़ाना नहीं है, फिर रेगुलेशन बैक टू बैक चलती रहती है। डिस्क्लोजर इन दी ऑफर डॉक्यूमेंट, जितना भी डिस्क्लोजर ऑफर डॉक्यूमेंट देंगे वो सब देंगे हम ट्रू फेयर और एडिक्वेट, हम कोई भी मटीरियल फैक्ट को ओमिट नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज मोड ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट, ऑफर डॉक्यूमेंट को हम कहां कहां डिस्क्लोज करेंगे, सबकी वेबसाइट पर लगा देंगे, इश्यूअर, स्टॉक एक्सचेंज, मर्चेंट बैंकर, एडवर्टीजमेंट फॉर पब्लिक इशू, वन इंग्लिश न्यूज़पेपर, वन रीजनल न्यूज़पेपर में दिया जाएगा। प्रोहिबिशन ऑन पेमेंट ऑफ इंसेंटिव, हम किसी भी व्यक्ति को इंसेंटिव नहीं देंगे कि आप हमारे शेयर्स खरीदो, आप हमारे डिबेंचर्स खरीदो, हम आपको पैसे देंगे, यू विल नॉट पे एनीवन टू बाय योर डिबेंचर्स। नेक्स्ट इज अब्रिज प्रोस्पेक्टस एंड एप्लीकेशन फॉर्म, सेम जैसा हमने पहले पढ़ा था कि आपके हर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एक समरी प्रोस्पेक्टस आएगा और द कंटेंट्स ऑफ समरी प्रोस्पेक्टस एंड द ओरिजिनल प्रोस्पेक्टस शुड नॉट बी डिफरेंट। आई रिपीट अगेन, हर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ समरी प्रोस्पेक्टस आएगा और आपका जो समरी प्रोस्पेक्टस है, एवरेज प्रोस्पेक्टस, उसका जो कंटेंट है और डिटेल प्रोस्पेक्टस के कंटेंट में कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन होना नहीं चाहिए। प्राइस डिस्कवरी एंड बुक बिल्डिंग, आप नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी भी इशू कर सकते हैं फिक्स प्राइस पे या बुक बिल्डिंग मैकेनिज्म। मिनिमम सब्सक्रिप्शन स्टार मार्क, हियर इट इज फॉर 75, नॉर्मल कंपनीज के लिए 90% होता है, लेकिन नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी में इट इज ओनली 75%। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, आपको ध्यान रखना है, आप अलॉटमेंट कर देंगे प्रिस्क्राइब्ड टाइम में और प्रिस्क्राइब्ड टाइम में अलॉटमेंट नहीं कर पाए तो आप पे पेनल्टी लगेगी एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। अंडरराइटिंग आपके यहाँ पर ऑप्शनल है और आपको इनका लिस्टिंग कराना अनिवार्य है। और यहाँ पे प्रैक्टिकली सब कुछ खत्म हो जाता है, इसके बाद में इन्होंने कुछ भी बताया नहीं है, इन्होंने आगे कुछ चैप्टर 4 और चैप्टर 5 का रेफरेंस दिया कि अगर आपने परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट इशू किए तो आप पे चैप्टर 5 एप्लीकेबल होगा, नॉन क्यूमुलेटिव परपेचुअल प्रेफरेंशियल इशू किए तो चैप्टर 5 होगा। तो अगर आप परपेचुअल इंस्ट्रूमेंट इशू करते हैं तो आप पे लगता है चैप्टर 5, सिलेबस में नहीं है। उसके पहले उन्होंने कहा कि अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं तो आप पे लगता है चैप्टर 4। याद करो एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट, उसमें सबसे पहले क्या पढ़ा था, पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, नेक्स्ट इज लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी विच वर प्राइवेटली प्लेस्ड, और लास्ट था कमर्शियल पेपर। तो ये हो गया प्राइवेट प्लेसमेंट की बात, और यहाँ पर आएगी आपकी कमर्शियल पेपर की बात। यहाँ पे उन्होंने कुछ बताया नहीं कि कभी भी आप कमर्शियल पेपर को लिस्ट करना चाहते हैं तो आपको सेबी की सारी कंडीशन कंप्लाई करनी पड़ेगी, स्टॉक एक्सचेंज को फीस देना पड़ेगा और आपको स्कोर्स पर रजिस्टर होना पड़ेगा। तो सेबी की सारी कंडीशंस कंप्लाई करेंगे, स्टॉक एक्सचेंज को फीस देंगे और स्कोर्स पर रजिस्टर करेंगे तो हम सीपी को भी लिस्ट कर सकते हैं। आई थिंक द चैप्टर इज अ सुपर इजी चैप्टर, अगर एग्जाम में चैप्टर आता है तो मस्ती से आप अपने 5 मार्क्स इजीली अटेन कर पाएंगे। मैंने 4 मार्क भी कराया है, मोस्ट लाइकली क्वेश्चन वहीं से आना चाहिए। अगर हम फटाफट से इसको देखते हैं, द नेम ऑफ द रेगुलेशन इज सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2021। बिफोर स्टडिंग आपको सबसे पहले हर एक चैप्टर का नाम ईयर वाइज याद होना चाहिए, एग्जाम में अगर उस पर क्वेश्चन आया तो बेस्ट वे टू स्टार्ट एन आंसर इज विद द नेम ऑफ द रेगुलेशन।
सो सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2021। सिरी बाय, सिरी बिल्कुल नहीं, बीच में बोलना ही नहीं, सिरी बाय बाय। यस, चैप्टर नंबर वन प्रिलिमिनरी रेगुलेशन 1-3। 1 और 2 रेलिवेंट नहीं है, 3 पे आते हैं, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रेगुलेशन। दिस रेगुलेशन इज एप्लीकेबल इन 3 केसेस। सबसे पहला इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज विच हैव बीन पब्लिकली इशूड। सेकेंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज विच हैव बीन प्राइवेटली प्लेस्ड। एंड थर्ड आता है लिस्टिंग ऑफ कमर्शियल पेपर इशूड एज पर द गाइडलाइंस ऑफ RBI। ये हो गया एप्लीकेबिलिटी, डन। फिर आता है रेगुलेशन नंबर 4, एप्लीकेबिलिटी ऑफ चैप्टर 2 नहीं पढ़ना है। रेगुलेशन नंबर 5 एलिजिबल इशूअर। एलिजिबल इशूअर के अंदर 7 पॉइंट्स हैं। इशूअर डिबार्ड नहीं होना चाहिए, प्रमोटर, इशूअर, डायरेक्टर। सेकेंड, अगर प्रमोटर, इशूअर, डायरेक्टर डिबार्ड है तो ये प्रमोटर डायरेक्टर अगर किसी और कंपनी के हैं तो वो भी डिबार्ड हो जाएंगे। विलफुल डिफॉल्टर, आप लोग विलफुल डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए। फर्दर आप अगर विलफुल डिफॉल्टर हैं तो आपकी जो प्रमोटर डायरेक्टर उनकी जो कॉमन किसी और कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर है वो भी डिबार हो जाएंगे, इशू नहीं कर सकते। फिजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, जो दो नए पॉइंट पड़े, अगर आपका कोई भी फीस पेंडिंग है सेबी डिपॉजिटरी को तो वो भी स्टॉक एक्सचेंज वगैरह को तो भी अलाउड नहीं है। और लास्ट आ जाता है अगर आपने पिछले 6 महीने में कोई भी इंटरेस्ट या प्रिंसिपल का रीपेमेंट नहीं किया है प्रायर नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी को तो भी आप इशू नहीं कर सकते एलिजिबल इशूअर। अकेले बैठ के देखना है कि हम 7 पॉइंट्स बोल पा रहे हैं या नहीं। फिर सब इजी है। इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना है स्टॉक एक्सचेंज का, डिपॉजिटरी के साथ अग्रीमेंट करना है, डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना है, रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट को अपॉइंट करना है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, कम से कम एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से अप्रूवल लेना है। अगर हमने 3 रेटिंग एजेंसी से अप्रूवल लिया है तो तीनों की रेटिंग डिस्क्लोज करना जरूरी हो जाएगा। उसके बाद में रिकवरी एक्सपेंस फंड बनाना है, सारे इशू इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होंगे और हमें सेबी की रेगुलेटरी फीस भी देनी है। हम यहां तक आ जाते हैं। फिर आता है 15, राइट ऑफ रिकॉल और रिडम्पशन प्रायर टू मैच्योरिटी। क्या हम प्रायर टू मैच्योरिटी रिकॉल और रिडम्पशन कर सकते हैं? यस। सबसे पहला पॉइंट इसमें हमने पढ़ा कि या तो इश्यूअर अपने पास ही पावर रखेगा, ये पावर देगा इन्वेस्टर को, ये रिटेल इन्वेस्टर्स को भी दे सकता है। जब भी रिडम्पशन होगा, रिकॉल होगा, वो होगा एज पर ऑफर डॉक्यूमेंट। उसके बाद में और क्या पॉइंट याद आ रहा है? रिकॉल अगर कर रहे हैं हम, कितने समय में रिकॉल नहीं कर सकते? 1 ईयर। जब हमने सिक्योरिटी इशू किए उसके 1 साल तक रिकॉल नहीं कर सकते। फिर आ रहे हैं आपके पॉइंट पे, नोटिस देना पड़ेगा रिकॉल का। नोटिस कब देंगे? 21 डेज पहले। नोटिस किस किस को देंगे? सारे एलिजिबल होल्डर, डिबेंचर ट्रस्टी को भी नोटिस देंगे। और नोटिस कौन से न्यूज़पेपर में जाएगा? 1 English and 1 Regional न्यूज़पेपर। वंडरफुल। उसके बाद में एंड में सब रिकॉल कर दिया तो रिपोर्ट देना होगा किसको? स्टॉक एक्सचेंज को, और इन्फॉर्म करना होगा डिपॉजिटरी एज वेल एज डिबेंचर ट्रस्टी को। क्या बात है, तूफान हो आप लोग तो। ये हो गया स्टॉक एक्सचेंज को, हम जो भी इन्फॉर्मेशन देंगे पब्लिक को डिसमिनेट कर देगा, बिल्कुल परफेक्ट। फिर आगे हमारा रेगुलेशन 16, DRR CRR क्रिएट कर देंगे। रेगुलेशन 17, ISIN, हमें हमारे हर इंस्ट्रूमेंट का ISIN कलेक्ट करना है। ISIN स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर, हर इशू का आता है। हमने कल परसों पढ़ा, ये तो इवन थोड़ी देर पहले बात करते ना, राइट एंटाइटलमेंट का भी आता है, तो सबका ही आता है ये। उसके बाद में आ गया रेगुलेशन 18, ट्रस्ट डीड। एकदम मस्ती में ट्रस्ट डीड। अब ट्रस्ट डीड के बारे में बहुत कुछ पढ़ा कि ट्रस्ट डीड सबसे पहले हमें एंटर करनी पड़ेगी विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब। अगर प्रिस्क्राइब टाइम में एंटर नहीं की तो डिफॉल्ट पे पेनल्टी कितना लगेगा? 2% एडिशन फ्रॉम द कूपन रेट। उसके बाद में ट्रस्ट डीड एंटर करेंगे, उसमें कंटेंट में क्या क्या इंक्लूड करना है? कंपनीज एक्ट के सेक्शन 71 का कंटेंट, सेबी का जो भी कंटेंट दे रखा है वो, और दो पार्ट में इशू किया जाता है। एक होता है स्टैट्यूटरी स्टैंडर्ड, और एक के अंदर होते हैं जो भी स्पेसिफिक जो भी एडिशनल चीजें आपको लिखनी है वो सब। उसके बाद में और क्या पॉइंट? ट्रस्ट डीड, इसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स जिससे आपको इंटरेस्ट आने वाला, प्रिंसिपल आने वाला है। आर वी अंडरस्टैंडिंग? इसके अलावा और कुछ ट्रस्ट डीड के बारे में? ट्रस्ट डीड शुड नॉट कंटेन सर्टेन प्रोविजंस। पहला, ट्रस्ट डीड किसी भी तरह से लिमिट या एक्सटिंग्विश नहीं करना चाहिए लाइबिलिटी ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी या इश्यूअर। ट्रस्ट डीड के अंदर कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं होना चाहिए कि डिबेंचर ट्रस्टी इश्यूअर को क्या मिलेगा, हम उनको बाद में उनका लॉस रिकूप करके देंगे। उसका वर्ड क्या होता है? इंडेमनिफिकेशन। हम उनको इंडेमनिफिकेशन का प्रोविजन नहीं होना चाहिए। और एक और प्रोविजन बच गया है कि हम कोई भी रेगुलेशन रूल्स की एप्लीकेबिलिटी को हमारे ऊपर से डिस्कार्ड नहीं कर सकते। ट्रस्ट डीड हो गया। उसके बाद बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड इन केस ऑफ डिफॉल्ट। अगर आपने प्रिंसिपल या इंटरेस्ट में डिफॉल्ट किया है और अब आप डिविडेंड देना चाह रहे हो तो इसके लिए किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा? डिबेंचर ट्रस्टी का अप्रूवल। डिबेंचर ट्रस्टी का अप्रूवल लेंगे और उसी के बाद में हम डिविडेंड देंगे। अरे शेयर होल्डर का अप्रूवल लेंगे तो खुशी होकर मान लेंगे ना, लॉजिकली सोचो। शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर्स, इनको इंटरेस्ट नहीं पे किया हमने और अब हम इनको डिविडेंड दे रहे हैं, इनसे अप्रूवल लेंगे, हाँ हाँ दे दो, तो हमें
डिबेंचर होल्डर्स से अप्रूवल लेने, पर वो बहुत सारे होते हैं तो उनके बिहाफ पे अप्रूवल लेते हैं हम डिबेंचर ट्रस्टी से। उसके बाद में आ गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड हो गया, ऑब्लिगेशन ऑफ इश्योर, ऑब्लिगेशन ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, जनरल बात बहुत सारी पड़ती है, इश्योर को भी ध्यान रखना है, डिबेंचर ट्रस्टी को भी ध्यान रखना है। फिर हम लोग यहाँ पर आ गए, हमने पढ़ा पब्लिक इश्यू लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज एंड नॉन कन्वर्टेबल रेडीमेड प्रेफरेंस शेयर्स, फर्दर अदर कंडीशन कि आपको मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करना है या आपको लीड मैनेजर अपॉइंट करना है। लीड मैनेजर क्या नहीं होना चाहिए? एसोसिएट नहीं होना चाहिए। एसोसिएट है तो वो क्या नहीं दे सकता? ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। इस प्रकार के छोटे मोटे प्रोविजन। फिर आता है मेन पॉइंट हमारा इश्यू ऑफ ग्रीन डेट सिक्योरिटी। हमने पढ़ा कि कोई भी कंपनी अगर बॉन्ड्स डेट इशू करके मनी रेस करे और उस मनी को यूटिलाइज कर रही है स्पेसिफाइड पर्पस के लिए तो वो है ग्रीन डेट सिक्योरिटी। उसको एक दो बार लिख के कर लेना, लेकिन ग्रीन डेट सिक्योरिटीज का कंसेप्ट याद रखना है। उसके बाद में ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट इज वेरी इजी, आई डोंट नीड टू से एनीथिंग। इस केस में कंपनी सबसे पहले अपना ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट देता है कहाँ पे? स्टॉक एक्सचेंज। वो वेबसाइट पे अपलोड करता है, क्या इनवाइट करता है? पब्लिक कमेंट्स फॉर 7 डेज। फिर हम हमारी वेबसाइट मर्चेंट बैंकर लीड मैनेजर की वेबसाइट पे भी अपलोड कर देते हैं। फिर हम वेट करते हैं उनके कमेंट्स का, पब्लिक के कमेंट्स आ गए उनको हम अप्रोप्रिएटली एड्रेस करते हैं और फिर हम हमारा फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं टू ROC। अब हम पब्लिक को दे सकते हैं, लेकिन एक ही स्टेप बाकी है बस, हमारा लीड मैनेजर करेगा ड्यू डिलिजेंस। वो सर्टिफिकेट देगा किसको? किसको? सेबी को। यस। उसके बाद में सब कहने की बात है क्या? डिस्क्लोजर एंड ऑफर डॉक्यूमेंट, आपको ऑफर डॉक्यूमेंट सारा रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर देना है। मोड ऑफ डिसेमिनेशन, आप एक इंग्लिश और एक रीजनल न्यूज़पेपर में देंगे एडवर्टीजमेंट, आप मोड ऑफ डिसेमिनेशन एज इन हर एक को आप किस प्रकार से भेजेंगे। प्रोहिबिशन ऑन पेमेंट ऑफ इंसेंटिव, आप किसी भी व्यक्ति को इंसेंटिवाइज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट पे मनी टू एनीवन टू बाय डिबेंचर्स। एब्रिज प्रोस्पेक्टस, हर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में एब्रिज प्रोस्पेक्टस जाएगा। एब्रिज प्रोस्पेक्टस का कंटेंट और ओरिजिनल प्रोस्पेक्टस का कंटेंट सेम होना चाहिए। उसके अंदर प्राइस डिस्कवरी, आप शेयर्स इशू, आप ये डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हैं एट अ फिक्स प्राइस और बाय बुक बिल्डिंग मैकेनिज्म। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है? 75%। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज आपको विद इन टाइम प्रिस्क्राइब करना, नहीं तो पेनल्टी लगेगी 15% पर एनम के हिसाब से। अंडररराइटिंग यहां पर ऑप्शनल है और लिस्टिंग यहां पर मैंडेटरी है और सब कुछ खत्म होता है। इसके बाद में प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर क्या होगा उसका चैप्टर 4 दे रखा है, परपेचुअल के लिए चैप्टर 5 दे रखा है और चैप्टर 6 था लिस्टिंग ऑफ सीपी। सीपी को लिस्ट करते हैं हम तीन चीजों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहला सेबी के जो भी कंडीशन है रेगुलेशन उसको अप्लाई कर देंगे और स्टॉक एक्सचेंज को फीस दे देंगे। और एक लास्ट पॉइंट, कहां पे रजिस्टर होना चाहिए ताकि कंप्लेंट्स स्कोर्स, एंड वी विल ऑल्सो रजिस्टर विद स्कोर्स एंड दिस इज डन दिस पर्टिकुलर रेगुलेशन। अगर हम देखें ओवरऑल तो बहुत कठिन नहीं है, इट जस्ट रिक्वायर्स फ्रीक्वेंट रिवीजन। दैट विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड दैट विल बी ऑल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय।